आज की क्लास में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक पढ़ा था। आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं जब वो किसी ऑर्बिटल में होता है। अभी तक आपने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट इज़ अ टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है थ्री डायमेंशनल पाथ इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये हमें थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन के। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स इज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंटेड बाय एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगता है? हमें पता लगता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता लगता है शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, शेल और ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। नाउ सपोज आई हैव 4s ऑर्बिटल, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि n की वैल्यू क्या है? जो भी ऑर्बिटल से पहले नंबर लिखा होता है वो आपका n है, तो n इज इक्वल टू 4। सो फॉर 4s ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। अगर मेरे पास 3p ऑर्बिटल होगा तो व्हाट इज द क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी 3। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल। अब इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें एंगुलर मोमेंटम पता लगता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिटल में। कल मैंने आपको बताया था कि हम एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट में कैसे निकालते हैं। हमने फॉर्मूला यूज़ किया था mvr इज इक्वल टू nh/2π। n क्या था? n मेरा ऑर्बिट नंबर था जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 h/2π। नाउ सपोज मुझे 3p ऑर्बिटल में निकालना है तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे एक टेबल लर्न करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑर्बिटल एंड l की वैल्यू। अगर मेरा ऑर्बिटल s है तो l की वैल्यू 0 है, अगर p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3। अब मैंने आपको बोला कि मुझे 3p ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? l की जगह पर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, क्योंकि फॉर p ऑर्बिटल l की वैल्यू इज़ 1, तो माय आंसर विल बी अंडर रूट 2h/2π। इसका मतलब अगर 2p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल n के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ l के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं सबका एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट 2h/2π रहेगा। अब l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? l कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1, वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1, राइट? सपोज आई हैव n इक्वल टू 1, तो l की क्या वैल्यू हो सकती है? l की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, 0। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि इन द फर्स्ट शेल सिर्फ एक ऑर्बिटल पॉसिबल है, दैट इज 1s। 1p पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि n कैन नेवर बी इक्वल टू l, क्योंकि n की क्या वैल्यू हो सकती है? 0 टू n-1 हो सकती है। अगर मेरा n 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 एंड 1, दैट मीन्स दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो 2s एंड 2p, टू ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1,
टू, तो इसका मतलब थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3s, 3p एंड 3d। तो एज ए यूजुअल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगा कि एक शेल में कितने सब शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी ऑर्बिटल में, तो मैं ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था वो यूज़ करके कैलकुलेट कर सकती हूँ। थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को वी रिप्रेजेंट बाय m। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगता है कि व्हाट आर द ओरिएंटेशंस ऑफ एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कैन हैव वैल्यू फ्रॉम माइनस l टू प्लस l। नाउ सपोज आई टेल यू कि आई हैव टू फाइंड आउट क्वांटम नंबर फॉर 4p ऑर्बिटल, तो n क्या हो जाएगा, 4, l क्या हो जाएगा, अभी आपको मैंने बताया था 1 फॉर p ऑर्बिटल, और अभी मैंने आपको बताया कि m की वैल्यू माइनस l टू प्लस l हो सकती है, तो अगर l 1 है तो वैल्यू क्या होगी, माइनस 1, 0, प्लस 1। इसका क्या मतलब हो गया कि p ऑर्बिटल की तीन ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, px, py एंड pz। अब चलिए 3d ऑर्बिटल का एग्जांपल लेते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी 3, L की वैल्यू हो जाएगी 2, और M की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, तो कितनी ओरिएंटेशंस हो गई, 5। सो वी हैव 5d ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz², तो डी के 5 ऑर्बिटल हमारे पास हैं। नाउ फॉर एस ऑर्बिटल, सपोज आई टेक 5s ऑर्बिटल, एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 0, अब क्योंकि एल 0 है तो एम भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स एम की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि एक ही एस ऑर्बिटल है, दैट इज एस ऑर्बिटल की एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगा, that s orbital has only one orientation, d orbital has 5 orientations and p orbital has 3 orientations। चलिए अब हम स्पिन क्वांटम नंबर पे आते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इज प्लस माइनस हाफ। अब इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेशन पॉसिबल है और एंटी क्लॉकवाइज में भी पॉसिबल है, पर इस प्लस माइनस का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 3p ऑर्बिटल का और मुझे इसके सारे क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगी, n को 3 ले लूँगी, l को 1 ले लूँगी, m को माइनस 1, 0, प्लस 1 ले लूँगी और s को प्लस माइनस हाफ ले लूँगी। तो ये मेरे क्वांटम नंबर्स आ गए फॉर 3p ऑर्बिटल। अब सपोज कीजिए कि हमें बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया जाए कि हमें 3px ऑर्बिटल के लिए ही क्वांटम नंबर्स लिखने, तो हम क्या करेंगे, ये टेबल हमें लर्न करना पड़ता है जिसमें हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है। px, py में हम प्लस माइनस 1 दोनों यूज़ कर सकते हैं, फॉर pz वी हैव द वैल्यू 0। ऐसे ही हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स की ये वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, तो 3px ऑर्बिटल के लिए अगर मुझे क्वांटम नंबर्स लिखने हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, n इज़ इक्वल टू 3, l इज़ इक्वल टू 1, m is equal to plus minus 1 and s is equal to plus minus half। अब suppose कीजिए मुझे 4dx² minus y² के लिए quantum numbers लिखने हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था n की value 4,
एल की वैल्यू 2 फॉर डी ऑर्बिटल एंड एम की वैल्यू फॉर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट इज़ प्लस 2 और एस मैंने आपको बताया था कि हम प्लस माइनस हाफ में से कुछ भी लिख सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी विल राइट द क्वांटम नंबर्स. अब हम समझेंगे कि अगर हमें कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स. आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं और ऑर्डर क्या रहेगा हमारा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो मेरा फर्स्ट रूल क्या है? मेरा फर्स्ट रूल है ऑफ बॉ प्रिंसिपल. अब ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है कि आपको ऑर्बिटल्स का ऑर्डर ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है. अब मान लीजिए आपको z इक्वल टू 11 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. तो आप क्या करोगे? आपको ये याद रखना है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में 6, d ऑर्बिटल में 10 और f ऑर्बिटल में 14. तो अब हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे. 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. उसके बाद हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? हमें ऐसे जाना है. इसका मतलब 1s के बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन हमें ऐसे जाना है, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब हमें और कितने बच गए जो हमें डालने हैं? 1 मोर इलेक्ट्रॉन. तो नेक्स्ट ऑर्बिटल मेरा 2p के बाद क्या है? 3s. तो मेरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन इन 3s. तो दिस इज हाउ आई विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब क्वेश्चन आता है कि यही ऑर्डर क्यों हम फॉलो कर रहे हैं ऑर्बिटल्स का? क्योंकि इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. इसका मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा. अब इसके हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी एनर्जी कम है और उसकी ज़्यादा है? उसके लिए हम n प्लस l रूल फॉलो करेंगे. n प्लस l रूल फॉलो कैसे करेंगे? अब सपोज कीजिए मुझे 4s और 3d में डिसाइड करना है कि मेरा इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा या पहले 3d में जाएगा. मैं n प्लस l कैलकुलेट करूँगी दोनों का. कैसे कैलकुलेट करूँगी? व्हाट इज, अभी मैंने आपको क्वांटम नंबर बताए थे. 4s ऑर्बिटल के n की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 4 और l की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 0. तो n प्लस l कितना आ गया? 4. अब मैं 3d के लिए कैलकुलेट करूँगी. n की वैल्यू क्या है? 3 और d की वैल्यू क्या है? 2. तो ये आ गया 5. n प्लस l किसका कम है? n प्लस l 4s का कम है. इसका मतलब एनर्जी किसकी कम है? एनर्जी 4s की कम है. तो मेरा इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा और उसके बाद 3d में जाएगा. तो हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग n प्लस l रूल इन फिलिंग दीज ऑर्बिटल्स. अब मान लीजिए, ये तो बहुत छोटा नंबर था z इक्वल टू 11. अब मान लीजिए आपको मैंने बोल दिया कि आपको z इक्वल टू 56 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. अब आप 1s टू 2s2 इतना लंबा तो लिखोगे नहीं. तो हम क्या करेंगे? हम नोबल गैस कोर के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. अब मान लीजिए आपको मैं कहती हूँ कि मुझे z इक्वल टू 56 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. तो अब हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ीनॉन 54, रेडॉन 86. नियॉन 10 के बाद 3s से स्टार्ट होगा, आर्गन 18 के बाद 4s, क्रिप्टॉन 36 के बाद 5s, ज़ीनॉन 54 के बाद 6s और रेडॉन 86 के बाद 7s. अब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है z इक्वल टू 56. तो 56 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? 56 से पहले नोबल गैस आती है
ज़ीनॉन। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ज़ीनॉन 54 6s2। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई है जेड इक्वल टू 56 की। अब मान लीजिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जेड इक्वल टू 30। अब 30 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, आर्गन 18। तो मैं लिखूंगी आर्गन 18 4s2। 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा हम टेबल में देखेंगे, 4s के बाद 3d 10। तो अब मेरे 30 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 3d 10। अब हमें एक्सेप्शनल केस को समझना पड़ेगा कि जिसमें हम एक्सेप्शन को नाउ सपोज जेड इज इक्वल टू 24 की मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 24 से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, आर्गन 18। तो मैं क्या लिखूंगी, आर्गन 18 4s2 3d 4। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन यही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द n+l रूल, पर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18 4s1 3d 5। अब ऐसी क्यों है ये कॉन्फ़िगरेशन, 3d 4 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल हैज़ बिकम हाफ फिल्ड। डी ऑर्बिटल हाफ फिल हो गया, हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। जेड इक्वल टू 29, 24 इज क्रोमियम एंड 29 इज कॉपर। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 18 4s2 3d 9। पर ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मेरी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल क्या है, इट इज़ आर्गन 18 4s1 3d 10। अब ये ऐसा क्यों हो गया, हम देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल हैज़ बिकम कम्प्लीटली फिल्ड, कम्प्लीटली फिल हो गया डी ऑर्बिटल, सो दैट मीन्स नाउ इट हैज़ बिकम मोर स्टेबल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पहला रीज़न मेरा क्या है, पहला रीज़न है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे जितने भी हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं दे आर सिमेट्रिकल, दे हैव सिमेट्री। अब ये मेरा पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगी तो पी ऑर्बिटल विल बिकम कंप्लीटली फिल्ड। अब रूल क्या होता है, दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। अब मेरा सेकंड रूल क्या है, व्हाट इज द रीजन, इट इज एक्सचेंज एनर्जी। अब मैक्सिमम एक्सचेंजेस कब पॉसिबल हैं, जब मेरा ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब मैं क्या करूँगी, सपोज मैंने ये डी ऑर्बिटल बना दिया और इसमें मैंने इसको हाफ फिल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ और इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, इसीलिए हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स
ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि आपको एक आयन दिया हुआ है Cr3+, और आपको बोल दिया कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अभी बताई थी, आर्गन 18, 3d5, 4s1। अब 3+ का क्या मतलब है कि आपको तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब आप पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकालोगे, 3d से निकालोगे या 4s से निकालोगे। अब क्योंकि मेरी आउटर मोस्ट शेल फोर्थ है, तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4 में से निकालूंगी। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाल दिया, दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाल दिए, तो क्या हो गया 3d3। अब मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन बच गए। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, और यूनिट क्या होता है, यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन Bm, और ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 3 × 3+2 क्या आ गया, अंडर रूट 15 बोहर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 15 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब जब भी मुझे कोई आयन दिया होगा, पहले मैं न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, उसके बाद मैं जितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं वो आउटर मोस्ट शेल में से निकालूंगी, फिर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखूंगी कितने हैं, और फिर मैं उसको मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। नाउ सपोज आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+। अब मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। अब दो इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, तो मैं कहाँ से निकालूंगी, अभी मैंने आपको बताया था दो इलेक्ट्रॉन मैं 4s में से निकाल दूंगी, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 3d5, जो कि मैंगनीज 2+ की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन थी। तो मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो आई विल गेट अंडर रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन। अब चलिए हम एक आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं। राइट क्वांटम नंबर्स फॉर इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अब इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के लिए मुझे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 10 3s1। इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में चला गया, इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में चला गया। तो 3s ऑर्बिटल में जाने से क्या होगा, अब हमें 3s ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 3s ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर्स कैसे लिखेंगे, n = 3, l = 0, m = 0, s = ±½। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हमें क्वांटम नंबर्स लिखने पड़ेंगे। अब जैसे आपको मैं कहती हूँ कि 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम के क्वांटम नंबर्स लिखिए। अभी आपने क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इट इज़ 3d5 4s1। 19th इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया, 19th इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में गया, क्योंकि 3d से पहले 4s फिल होता है। तो व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, n = 4, l = 0,
m इक्वल टू जीरो एंड s इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। अभी तक जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था, बोहर ने क्या किया था कि ही कंसिडर्ड ओनली द टू डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, तो वहाँ से ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया था जो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मोशन बताता है, प्लानर मोशन, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। फिर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई जिसमें हम थ्री डायमेंशंस को देख पा रहे हैं, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर वाई एक्सिस, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर जेड एक्सिस, एट पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर, ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज साई हियर? साई इज द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। What is E here? E is the total energy. What is V? V is the potential energy. अब psi square की significance क्या है? What is psi square? Psi square क्या होता है? Psi square probability बताता है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमें बताता है साई स्क्वायर। अब नोड क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड कि नोड क्या है। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है कि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, उस पॉइंट को हम कह देते हैं नोड। अब अगर मुझे किसी भी ऑर्बिटल के नोड्स निकालने हैं, मान लीजिए मैं आपको कह देती हूँ कि मुझे 3p ऑर्बिटल के नोड्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स। एक मेरे पास हैं स्फेरिकल और रेडियल नोड्स, जिसका फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1, और एक मेरे पास हैं प्लानर नोड्स जिसका फॉर्मूला है L। तो टोटल नोड्स कितने हो गए? जब मैं इनको ऐड कर दूंगी तो टोटल नोड्स आ जाएंगे n माइनस 1। अब हमें 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स निकालने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स हम कैसे निकालते हैं। n की वैल्यू क्या है? आई एम कैलकुलेटिंग स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल। n की वैल्यू क्या है? 3। L की वैल्यू 1, तो दैट मीन्स कितने नोड्स हो गए? 1 नोड। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नोड्स। अब हम इन ग्राफ्स को देखेंगे। ये इसमें हमने क्या किया है, वी हैव प्लॉटेड द ऑर्बिटल वेव फंक्शन विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और मुझे क्या मिल रहा है इस ग्राफ में? मुझे n माइनस l माइनस 1 नोड्स मिल रहे हैं इस ग्राफ। अब मैं 1s ऑर्बिटल को देखूंगी। 1s ऑर्बिटल में अगर मैं नोड्स का फॉर्मूला लगाती हूँ n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स मुझे कोई भी नोड नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देर इज नो नोड। अब मैं 2s ऑर्बिटल पे चलती हूँ। अब 2s ऑर्बिटल में मैं देखूंगी n माइनस l माइनस 1। अब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, क्योंकि S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो मेरे पास कितने नोड्स आ गए? 1 नोड। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे पास 1 नोड आया इस ग्राफ को देख के? आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इस एक्सिस को टच कर रहा है, दिस इज नोड। और जैसे ही नोड आता है, वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेव फंक्शन पॉजिटिव था, ये नीचे जाके वेव फंक्शन नेगेटिव हो गया। तो इस ग्राफ से मुझे क्या पता लगा कि मुझे कितने नोड्स मिल रहे हैं 2s ऑर्बिटल में? मुझे एक नोड मिल रहा है। तो जैसे ही नोड आता है, वेव फंक्शन का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हम इस पे चलते हैं, दैट इज 3s ऑर्बिटल। अब 3s ऑर्बिटल में पहले मैं फॉर्मूला निकाल के देखूंगी कि मेरे पास कितने नोड्स आने चाहिए। 3 माइनस 0 माइनस 1, तो मुझे फॉर्मूला से पता लगा कि मेरे पास 2 नोड्स आने चाहिए।
तो यहाँ मैंने जब देखा, ये मेरा पहला नोड और ये मेरा दूसरा नोड। जैसे ही पहला नोड आया, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया वेव फंक्शन, और जैसे ही दूसरा नोड आया, नेगेटिव टू पॉजिटिव चला गया। तो इसका मतलब जैसे ही नोड आता है, वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमने आर को प्लॉट किया है, तो साई स्क्वायर जो है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ मैक्सिमम है? न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई भी नोड नज़र नहीं आ रहा, और साई स्क्वायर ज़ीरो कब होगा? साई स्क्वायर विल बी ज़ीरो एट नोड। जैसे ही नोड आएगा, साई स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये नोड आ गया इस 2s ऑर्बिटल में, तो क्या हुआ कि साई स्क्वायर की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट हैज़ बिकम ज़ीरो हेयर, ये नीचे आ गया। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे मैक्सिमम है और नोड पर ज़ीरो है। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का न्यूमेरिकल, जो आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है, अब हम ये करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज साई टू एस, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, ए नॉट इज इक्वल टू बोहर रेडियस। आपको मैंने कल भी कराया था कि बोहर रेडियस क्या होता है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। लेट द रेडियल नोड इन 2s बी एट आर नॉट, एंड हमें आर नॉट की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एट रेडियल नोड हमें पता है कि साई स्क्वायर 2s की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो गया। अब अगर मैं साई स्क्वायर 2s को ज़ीरो के बराबर कर दूंगी, तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है मेरे पास जो ज़ीरो हो सकती है? इस इक्वेशन में द ओनली फैक्टर जो ज़ीरो हो सकता है, दैट इज़ 2 माइनस आर नॉट बाय ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मैं क्या करूँगी? आर नॉट इक्वल टू 2 ए नॉट। तो इसका मतलब आर नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, दैट इज़ 2 ए नॉट। 1/4 टू पाई बाई हाफ, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। 1/a0 3/2, इसमें से मैं आर नॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकती। तो द ओनली फैक्टर विच इज़ लेफ्ट इज दिस, जिसको मैं ज़ीरो के बराबर कर दूँगी। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम मैकेनिकल ऑफ मॉडल तक ख़त्म कर लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने मॉड्यूल में जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन हैं वो सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको पूरा चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज भी आपके मॉड्यूल में गिवन हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर भी गिवन हैं, आप जब सब कुछ रिवाइज करोगे तो आप क्लास के साथ मॉड्यूल को कनेक्ट कर पाओगे, और आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पा रहे हो। गॉड ब्लेस यू।